प्यारे बच्चों नमस्कार। सरस्वती विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय की ऑनलाइन क्लास में बच्चों आपका स्वागत है। कक्षा 3 में पार्ट 3 कंप्यूटर के मुख्य भाग लेसन नंबर 3 और लेसन का नाम है कंप्यूटर के मुख्य भाग, इस पर चर्चा करते हैं। तो बच्चों कंप्यूटर के जो मुख्य भाग होते हैं ये 6 प्रकार के मुख्य भाग है, इनके द्वारा ही हम कंप्यूटर क्या कर पाते हैं, कार्य कर पाते हैं। तो बच्चों कंप्यूटर है क्या चीज, पहले इस बात का हमें पता होना चाहिए कंप्यूटर क्या चीज है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो बिजली द्वारा संचालित होती है, बिजली के द्वारा चलने वाला उपकरण है। तो कंप्यूटर शब्द जो अंग्रेजी भाषा का शब्द है उससे ये कंप्यूटर बना है, और कंप्यूटर का मतलब होता है गणना करना। गणना करने के लिए हमने किसको ये निर्माण किया गया था, गणना करने के लिए कंप्यूटर का निर्माण किया गया था, ठीक है। तो बच्चों कंप्यूटर को पीसी के रूप में भी जाना जाता है, पीसी का पूरा नाम पर्सनल कंप्यूटर है, तो पीसी के रूप में भी कंप्यूटर को जाना जाता है। आजकल आप बाजार में भी देखते होंगे, घरों में भी देखते होंगे, हर जगह आपको कंप्यूटर पर कार्य करता हुआ व्यक्ति दिखाई देता है, ठीक है। तो प्रत्येक कार्य जो है कंप्यूटर पर होने लग गया है, और कंप्यूटर पर कार्य करने के लिए जिन जिन उपकरण की हमें आवश्यकता होती है, जिन जिन भागों की हमें आवश्यकता होती है, उन भागों पर आज चर्चा करते हैं। तो कंप्यूटर के जो मुख्य भाग है उनमें पहला भाग है मॉनिटर। मॉनिटर जो होता है बच्चों ये डाटा को डिस्प्ले करने के लिए, आउटपुट दर्शाने के लिए इसका यूज किया जाता है। हम कोई भी वीडियो है, कोई भी डॉक्यूमेंट है, वो जब देखना चाहते हैं कंप्यूटर के अंदर से देखना चाहते हैं, तो हम किसका यूज करेंगे, मॉनिटर का यूज करेंगे। मॉनिटर कैसा दिखाई देता है, जो घर में टीवी होता है टीवी की तरह दिखाई देता है, तो हम कोई भी डाटा उस पर देख सकते हैं। कंप्यूटर के अंदर का डाटा डिस्प्ले करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, मॉनिटर का यूज करते हैं। इसके बाद में दूसरा पार्ट है सीपीयू। सीपीयू क्या होता है, सीपीयू कंप्यूटर का मुख्य भाग होता है, सीपीयू कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है, क्योंकि ये मुख्य पार्ट होता है, सारा डाटा सीपीयू के अंदर होता है। और सीपीयू जो होता है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से इसको जाना जाता है, एक केंद्रीय इकाई होती है, प्रोसेस करने वाली केंद्रीय इकाई। तो ये सीपीयू जो होता है इसके अंदर बहुत सी चीजें लगी होती है, जैसे हार्ड डिस्क लगी होती है, रैम लगी होती है, रोम होता है, और इसके अंदर बहुत से चिप वगैरह लगी होती है, बहुत सी चिप लगी होती है, मदरबोर्ड लगा होता है, प्रोसेसर लगा होता है, सप्लाई लगी होती है, फिर कैबिनेट लगी होती है, सीपीयू होता है। तो कहने का मतलब बहुत सी चीजों का मिश्रण सीपीयू, सीपीयू के अंदर हार्ड डिस्क जो होती है उसमें हमारा डाटा सुरक्षित रहता है। तो सीपीयू है उसका पूरा नाम क्या बताया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसलिए ही हम इसको क्या कहते हैं, कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। दिमाग इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारा डाटा इसी के अंदर सुरक्षित रहता है, और हम क्या कर सकते हैं, साल 2 साल 5 साल 10 साल के बाद में इससे डाटा प्राप्त कर सकते हैं। इसकी मेमोरी इतनी तेज होती है कि ये याद रखता है, इसलिए सीपीयू को कंप्यूटर का माइंड कहा जाता है। तो सीपीयू का पता चला होगा बच्चों, सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और हमारे कंप्यूटर का दिमाग कौन है, सीपीयू। इसके बाद में आता है कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या होता है, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस होती है। इस पर क्या होती है बच्चों, कुंजियां होती है, कुंजियां मतलब बटन होते हैं, इस पर कीज होती है। कितनी कीज होती है, 104 से लेकर 108 तक कीज होती है इस पर। तो 104 कीज वाला भी कीबोर्ड आता है, 108 कीज वाला भी कीबोर्ड आता है, ठीक है। तो कीबोर्ड भी अलग अलग प्रकार के आते हैं, वायर वाले भी आते हैं, बिना वायर वाले भी आते हैं, ठीक है। तो कीबोर्ड से हम क्या करते हैं, बटन दबाते हैं, बटन दबाते हैं, तो जो भी बटन दबाया है उसका डाटा कंप्यूटर के अंदर चला जाता है। तो डाटा को कंप्यूटर के अंदर भेजने के लिए किसका यूज करते हैं, कीबोर्ड का यूज करते हैं। कीबोर्ड कौन सी डिवाइस हुई, कीबोर्ड कौन सा उपकरण हुआ, इनपुट उपकरण हुआ। तो इसके द्वारा क्या किया जाता है, डाटा इनपुट किया जाता है। इसके अंदर कंप्यूटर के अंदर सीपीयू के अंदर डाटा इनपुट करने का काम कौन करता है, कीबोर्ड करता है, ठीक है। तो कीबोर्ड में बटन कितने होते हैं, 104 से लेकर 108 तक इसमें बटन होते हैं।
इसके बाद में नंबर चार है माउस। माउस में जो देखा होगा चूहे की तरह दिखाई देता है और तार होती है इसकी पूंछ की तरह दिखाई देती है। इसमें तीन बटन होते हैं। कितने बटन होते हैं? तीन, लेफ्ट राइट और सेंटर। सेंटर में जो बटन होता है वो गोल बटन होता है। गोल बटन मतलब उसको स्क्रोल किया जाता है, ऐसे गोलाई में घुमाया जाता है, घुमाते हैं उसको चलाते हैं तो जो मॉनिटर होता है उसकी स्क्रीन पर एक तीर का सा निशान होता है जिसको कर्सर कहते हैं, वो ऐसे ऊपर नीचे होता है और उसके द्वारा हम काम करते हैं। तो माउस के द्वारा क्या किया जाता है, जो तीर का निशान होता है मॉनिटर के ऊपर दिखाई देता है, पॉइंटर जिसको बोलते हैं, कर्सर जिसको बोलते हैं, उससे हम क्या करते हैं किसी ऑप्शन पर क्लिक करके काम करते हैं, डाटा इनपुट कराते हैं, सेवनी देते हैं, ओपन करते हैं। ये सारा काम किसके द्वारा किया जाता है? माउस के द्वारा किया जाता है। और माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा गया है। क्या कहा गया है? पॉइंटिंग डिवाइस। इनपुट डिवाइस के साथ साथ पॉइंटिंग डिवाइस भी है, क्योंकि किसी पॉइंट के ऊपर ले जाके आप इस पर क्लिक करते हो तो ऑप्शन को खुल जा खोल सकते हो, ठीक है। इसके बाद में आता है प्रिंटर। प्रिंटर जो होता है वो किस लिए होता है? हम कोई कंप्यूटर के अंदर हमने डाटा तैयार कर दिया, उसका हम अब प्रिंट निकालना चाहते हैं, कागज पर उसको छापना चाहते हैं, तो हम किसका यूज करेंगे? प्रिंटर का यूज करेंगे। प्रिंटर कैसी डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस है। कैसी डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस। तो कंप्यूटर के अंदर प्रिंटर अगर जुड़ा हुआ है तो हम कोई भी कागज छाप सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रिंटर आउटपुट डिवाइस के रूप में होता है, ठीक है। प्रिंटर कई प्रकार के आते हैं। आजकल ज्यादातर जो यूज होता है वो कौन सा होता है? लेजर प्रिंटर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसके बाद में जो 6 नंबर पर आता है स्पीकर। स्पीकर जो होता है आपने घरों में देखा होगा, आपने डांस वगैरह भी किए होंगे, तो स्पीकर किस लिए होता है? गाने वगैरह चलाने के लिए, साउंड के लिए इसका यूज किया जाता है। और कंप्यूटर के साथ अगर स्पीकर जोड़ देते हैं तो कंप्यूटर के अंदर जितने गाने हैं, कोई वीडियो है, तो हम स्पीकर पर उसको सुन सकते हैं। स्पीकर क्या है? आउटपुट डिवाइस है। कैसी डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस है। तो स्पीकर के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? डाटा को आउटपुट के रूप में सुन सकते हैं, गीत वगैरह चला के सुन सकते हैं, कोई ऑडियो सुन सकते हैं, ये काम हम स्पीकर के द्वारा कर सकते हैं। तो बच्चों कंप्यूटर के जो भाग है, मुख्यतः जो भाग है, बहुत भाग होते हैं लेकिन मुख्य जो भाग है, मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर और स्पीकर, मुख्यतः ये 6 भाग है, ठीक है। तो ये 6 भाग है, इनका इनके जो प्रश्न उत्तर है पार्ट 3 के अंदर आपको पीडीएफ फाइल भेज दी जाएगी, आप उसको अच्छे तरीके से कॉपी के अंदर करना। बच्चों ध्यान रखना, कक्षा 3 के बच्चे काफी जो पेंसिल से भी कर रहे हैं काम, लेकिन अपने कंप्यूटर का जो काम है पेन से करना है आपने, ठीक है। और ब्लैक पेन से प्रश्न लिखें और नीले पेन से आप उत्तर लिखें। खाली स्थान है उसके अंदर, खाली स्थान वाली जो जगह होती है उसके अंदर खाली स्थान को ब्लैक पेन से आपको भरना है, ठीक है। और जो दो लाइन वाली कॉपी है उसके अंदर लाइन की टच करते हुए ही आपको लिखना है और साफ साफ लिखना है, काम सुंदर दिखना चाहिए। और जब आप काम कंप्लीट कर लो तो स्कूल में आकर कॉपी चेक करवा जाना, ठीक है। तो बच्चों अगले चौथे लेसन को जब लेके आएंगे तब तक बच्चों जय हिंद, जय भारत।